सो गाइस देखिए यहाँ पे रांची जंक्शन का नज़ारा है नाइट का। यहाँ पे आजकल फिलहाल पेंटिंग वगैरह हो करके लाइट वगैरह लगा है, निकल गया था खारेगढ़ पे, तो हम लोग वहाँ से भी चल करके आए। और देखिए अब यहाँ पे बहुत देर से इंतजार कर रहा था राजकुमार, जो कि यहाँ देखिए उदासी के रूप में छाया हुआ है। और ब्लॉग तो गाइस कैसे आप लोग मिलकर चालू बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस हम लोग का एग्ज़ाम जो है ख़त्म हो चुका है और आज जो भी एग्ज़ाम किया उतना अच्छा किया जाएगा, लेकिन हम लोग तैयारी करके नहीं आए थे, जिस हिसाब से तैयारी किए थे उस हिसाब से तो एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया। और निकलते हैं यहाँ से जस्ट, क्योंकि एक दो ठे लड़का लोग आया है मेरे एरिया से वहाँ से, तो अभी लमसम स्टेशन पास चल गया, हम लोग भी जस्ट निकलते हैं, चलिए ऑटो पकड़ते हैं तुरंत और निकलते हैं झटाक से क्योंकि ट्रेन है। गाइस हम लोग उतर चुके हैं यहाँ पे रांची जंक्शन पे, ऑटो नान के यहाँ पर उतार दिए और फिर हम लोग चल रहे हैं अभी। और राजकुमार जो भी है वहाँ पे अभी रेलवे स्टेशन पे है और दो चार लड़का लोग थे तो पीछे भी आ रहे हैं उन लोग भी। तो चलिए गाइस बने रहेगा इस ब्लॉग में। देखिए सब इधर है, होटल वगैरह है इधर, गाड़ी वगैरह सब लोग सारा कुछ, चलिए देखते हैं। एक जो 5 बजे था इंटरसिटी वो तो खैर निकल ही गया, अब दूसरा गाड़ी जो 8 बजे आता है वो हमको पकड़ना पड़ेगा, हम लोग साथ ही में चलेंगे। चलिए गाइस बने रहेगा ब्लॉग में। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं रेलवे स्टेशन पास, यहाँ से 800 कर करके, और जो पुल था पीछे वाला पुल पड़ता है टुप्पू दाना साने में, और वहीं पर उतार करके और चल गया था खारेगढ़ पे, तो हम लोग वहाँ से भी चल करके आए। और देखिए अब यहाँ पे बहुत देर से इंतजार कर रहा था राजकुमार, जो कि यहाँ देखिए उदासी के रूप में छाया हुआ। ये दुख का खत्म नहीं होता इलेक्शन का, ये वाला नज़ारा जो कि यहाँ का पॉपुलर है, बहुत लोग फोटो वगैरह शूट करते हैं यहाँ से। और यहाँ पे देखिए जो भी नया पेंटिंग वगैरह हो रहा है, अभी बहुत पुराना हो गया था लेकिन अभी पेंटिंग वगैरह करके नया नया हो रहा है। और यहाँ देखिए पार्क का नज़ारा अच्छी है। और बस चलिए हम लोग कुछ ही देर में मतलब कि आएगा ट्रेन, एक तो जहाँ इंटरसिटी था वो तो खैर छूट ही गया, लेकिन रांची बनारस है वो आएगा अभी ट्रेन। चलिए मिलते हैं ट्रेन में, और बाकी तो ब्लॉग जो था आप लोगों ने देखा ही होगा, तो ब्लॉग कैसे होगा। अभी नाश्ता वगैरह कर चुके हैं हम लोग और चलते हैं डायरेक्ट स्टेशन पर, लगभग आधा घंटा समय बचा हुआ ट्रेन आने वाले हैं, बस चलते हैं हम डायरेक्ट लिफ्ट से चढ़ते हैं बड़ी जगह से, बड़ी जगह से ब्लॉग में। इधर का नज़ारा देखिए किस तरह से है, ये सारा ऑटो वगैरह आ रहा है अभी रांची में। सो गाइस देखिए यहाँ पे रांची जंक्शन का नज़ारा है नाइट का। यहाँ पे आजकल फिलहाल पेंटिंग वगैरह हो करके लाइट वगैरह लगा है, देखने में खूब ही खूबसूरत लग रही है यहाँ पे, खूबसूरत पूरा कैमरा ब्लर हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ब्रिज है जब पार जाने वाले वो उसी ब्रिज से अभी हम लोग ब्लॉग को शूट कर रहे हैं। तो फिलहाल चलते हैं हम लोग और देखते हैं किस तरह से बने रहेगा इस ब्लॉग में, बस चलता है डायरेक्ट हम लोग स्टेशन पर। तो बैग वगैरह फिलहाल भी चेक हो रहा है, तो बैग को डाल दिया अंदर और इधर से चलिए बैग को निकालते हैं। अब बैग अभी आने वाली है, अब देखते हैं। तो चलिए बैग वगैरह निकल गया, मशीन में एंट्री करते समय चेक इन होता है बैग का, कोई दूसरा सामान वगैरह तो नहीं ले जाने पा रहा है। तो बस गाइस लमसम 2 से 3 घंटा हम लोग को रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि इंटरसिटी चले गया था, फिर हम लोग का टाइम जो है ना ज़्यादा वेस्ट करना पड़ जाता है, फिर वहाँ पे हमको 1 से 2 बजे भोर में मतलब 3 बजे आ ही देता है जाते समय। हम लोग का ट्रेन आने वाली है अभी, KGF हटिया लगी हुई है, लमसम आधा घंटा में हम लोग का ट्रेन पहुँचेगी। और देखिए इस तरह से है रांची जंक्शन का नज़ारा गाइस, देखते हैं राजकुमार जो है पानी भी भरवा रहा है, पानी भराता है, उसके बाद भी देखते हैं हम लोग निकलेंगे गाइस, और पानी भी भरा चुका है और पीते हैं उसके बाद निकलते हैं। तो वो बने रहेगा गाइस, तो जल्दी ट्रेन पर।
few moments later. हम लोग गढ़ा रोड जंक्शन पर उतर चुके हैं और राजकुमार जो था दूसरे बोगी से आ गया था, हम दूसरे बोगी को अभी आने के बाद सामने मिल चुका है, वहाँ देखे जा रहे हैं। और चलिए देखते हैं ऑटो वगैरह पता करते हैं, मिलता है तो नहीं करते हैं बता रहे। और देखिए पीछे ट्रेन लगी हुई है, चलो इसको तो चलिए चलते हैं अब उस पर। वहाँ देखिए सारा नया बना है, हम लोग लमसम यहाँ अभी 2 से 3 ही लड़का लोग हम लोग थे यहाँ पे आए हुए इस एरिया का, और 2-4 लोग थे तो डाल्टनगंज पे उतर गए जो कि हमारे साथी भी एग्ज़ाम वहाँ पे दिए थे। तो बस चलिए चलते हैं उस पटे, हम लोग का गाड़ी लगता है साइड में जाने के लिए। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे जो नया वाला ओवर ब्रिज है वो बन रहा है यहाँ पे, और वो बन करके रेडी ही हो चुका है क्योंकि इधर उधर जाने के लिए इसी के थ्रू आसान रहता है। बाकी चलिए हम लोग मिलते हैं ऑटो पास, उसके बाद ब्लॉग को हम लोग एंड करेंगे। हम तो पहुंच गए घर पे और जो भी एग्जाम गया खैर आप लोग के साथ शेयर किया हूँ मैं। बाकी चलते हैं ऑटो।